नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो जैसे एमटीएस की तैयारी करते हो या बेल्ट्रोन की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके ये क्वेश्चन जरूर हेल्प करेंगे दोस्तों तो आज हम आपके लिए लेके आएँ कंप्यूटर के टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो चलिए इसको प्ले करते हैं दोस्तों तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कीबोर्ड के ओल्ड प्लस एफ फोर बटन से क्या होता है दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए है ओपन स्टार्ट मेन्यू होता है ऑप्शन बी सट डाउन होता है ऑप्शन सी रिस्टार्ट होता है या ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल ओपन होता है तो इसका सही जवाब होगा अगर हम जब डेस्कटॉप पे होते हैं दोस्तों उस समय अगर हम ओल्ड प्लस एफ फोर बटन दबाएंगे तो उस समय सट डाउन होता है कंप्यूटर तो इसका सही जवाब होगा सट डाउन तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सट डाउन तो देखिए आपका ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों अब बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कीबोर्ड में कितने स्विफ्ट बटन होते हैं दोस्तों तो ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी दो ऑप्शन सी तीन और ऑप्शन डी चार तो इसका सही जवाब होगा दो बटन होते हैं दोस्तों एक लेफ्ट साइड में और एक हमारे राइट साइड में तो इसका सही जवाब होगा दो बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीन है मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी दो ऑप्शन सी तीन और ऑप्शन डी चार तो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी तो इसका सही जवाब होगा दो अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है दोस्तों लैंड का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन ए लार्ज एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन सी लोकल एक्सेस नेटवर्क और ऑप्शन डी लार्ज एक्सेस नेटवर्क इसका सही जवाब होगा लोकल एरिया नेटवर्क ये हमारा बी आंसर ठीक होगा दोस्तों तो यहां पे हम क्लिक करते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड पर फंक्शन की कितनी होती है दोस्तों ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी नाइन ऑप्शन सी टेन तो इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों कीबोर्ड पे फंक्शन की संख्या बारह होती है दोस्तों एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक अब हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपी और कट का ऑप्शन किस टैब में होता है दोस्तों जैसे आप कॉपी कट करते हो वो कौन से टैब में होता है होम टैब में होता है इंसर्ट टैब में होता है तो ऑप्शन ए होम टैब ऑप्शन बी टैब ऑप्शन सी व्यू टैब और ऑप्शन डी पेज लेआउट टैब इसका सही जवाब होगा जो हमारा कॉपी कट का ऑप्शन होता है वो होता है होम टैब में अगला क्वेश्चन हमारा सात नंबर सी यू की फुल फॉर्म क्या है एक हमारा प्रोसेसर का पार्ट होता है ए एल यू और सी यू तो सी यू का पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों तो इसका ऑप्शन ए है कॉल यूनिट ऑप्शन बी कॉल सेंटर यूनिट ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी कंप्यूटर यूनिट इसका सही जवाब होगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मैक कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं एक होता है दोस्तों आपने सुना होगा विंडोज कंप्यूटर एक होता है यूनिक्स एक होता है दोस्तों हमारा मैक कंप्यूटर मैक कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है ऑप्शन ए एचपी ऑप्शन बी डेल ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी एप्पल तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एप्पल अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा आउटपुट देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं ऑप्शन ए कीबोर्ड ऑप्शन बी स्कैनर और ऑप्शन सी मॉनिटर और ऑप्शन डी माउस जो आउटपुट होता है दोस्तों वो हम मोनिटर पर देखते हैं आपको कोई भी काम करना है कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो और उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं मोनिटर पे उसको देखते हैं तो आउटपुट देखने के लिए हम मोनिटर का यूज करते हैं तो सही जवाब होगा हमारा मोनिटर अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन नंबर टेन है दोस्तों हमारा बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर में एक बायोस होता है हमारा उसका पूरा नाम क्या होता है ऑप्शन ए बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑप्शन बी बाइनरी इंटरनल आउटपुट सिस्टम ऑप्शन सी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम या ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए पैकेज ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑप्शन सी सिस्टम और ऑप्शन डी एप्लीकेशन दोस्तों हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है तो हम जिस पे काम करते हैं वो होता है हमारा अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों क्वेश्चन नंबर बारह है दोस्तों गूगल कंपनी के सीईओ कौन है ऑप्शन ए एलोन मस्क ऑप्शन बी सत्यनारायण नडेला ऑप्शन सी नीलमोहन और ऑप्शन डी सुंदर पिचाई तो इसका सही जवाब होगा सुंदर पिचाई दोस्तों ये हमारे भारत के रहने वाले हैं और ये अमेरिका में कंपनी गूगल उसके सीईओ है अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वीडियो का फुल फॉर्म क्या है या वीडियो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी विजुअल डिसेप्शन यूनिट और ऑप्शन सी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट और ऑप्शन डी विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ये का पूरा नाम क्या है ऑप्शन ए डिस्क ऑफ सिस्टम ऑप्शन बी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका सही जवाब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एमएस एक्सएल का मतलब क्या है ऑप्शन ए मैनेजमेंट एक्सेल ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। या ऑप्शन डी माइक्रोमैक्स एक्सेल दोस्तों एमएस एक्सएल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट जो किसकी कंपनी के ओनर भी है दोस्तों कंपनी का नाम भी क्या है माइक्रोसॉफ्ट है इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एम एस वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों अगर हमें एम एस वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है तो ऑप्शन ए कंट्रोल एच ऑप्शन बी कंट्रोल टी ऑप्शन सी कंट्रोल के और ऑप्शन डी कंट्रोल डी तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल के होता है दोस्तों हाइपर लिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एम एस एक्सएल में ग्रिड लाइन्स और फॉर्मूला वार किस टैब में दिए गए होते हैं दोस्तों जो हमारा ग्रिड लाइन ऑप्शन होता है फॉर्मूला वार ऑप्शन होता है वो किस टैब में दोस्तों होता है जिससे हम उसको हाइड कर सकते हैं अनहाइड कर सकते हैं तो ये ऑप्शन ए है आपका होम टैब में होता है क्या ये ऑप्शन बी क्या ये पिजलाउट टैब में होता है ऑप्शन सी इंस टैब और ऑप्शन डी व्यू टैब तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों व्यू टैब ये आपको व्यू टैब में मिल जाएगा ग्रिड लाइन और फोमलाबार अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है ऑप्शन ए विंड सर्फ ऑप्शन बी चार्ल्स चार्ल ऑप्शन सी जॉन वोल्फी या ऑप्शन डी इलोन मस्क तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए विंड सर्फ तो यहां पे क्लिक कर ये हमारा सही जवाब है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बाइंड्री में कितने डिजिट होते हैं दोस्तों क्या दो होते हैं ऑप्शन बी चार होते हैं ऑप्शन सी आठ होते हैं या ऑप्शन डी सिक्सटीन होते हैं दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा बाइंड्री में सिर्फ दो डिजिट होती है जीरो और वन तो यहां पे इसका सही आंसर होगा ए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर है ऑप्शन बी स्पीड सीट या ऑप्शन सी ग्राफिक डिजाइनिंग या ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्पीड सीट तो यहां पे हम क्लिक करते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कंप्यूटर क्या है ऑप्शन ए पावर मशीन है ऑप्शन बी मानव मशीन है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ऑप्शन डी विद्युत मशीन है तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कंप्यूटर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ऑप्शन सी दोस्तों सही होगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हाउ मच इज अ बाइट इक्वल टू ऑप्शन ए आठ बीट के बराबर होता है ये सिक्सटीन बीट ऑप्शन सी वन जीरो ट्वेंटी फोर बीट या ऑप्शन डी वन जीरो ट्वेंटी फोर के बी तो इसका सही जवाब होगा एक बाइट में आठ बिट होते हैं दोस्तों तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा तो देखिए हमारा ठीक है क्वेश्चन नंबर तेईस नेम द डिवाइस दैट इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर अगर आपको अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना है तो आप किस डिवाइस का यूज करोगे दोस्तों ऑप्शन ए कीबोर्ड ऑप्शन बी माउस ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी प्रिंटर तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हम प्रिंटर का यूज करेंगे हमारा तो ऑप्शन डी दोस्तों सही होगा अगला क्वेश्चन हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर जो जनरली हम कंप्यूटर का यूज करते हैं वो किस काम के लिए करते हैं ऑप्शन ए अकाउंटिंग करने के लिए ऑप्शन बी क्रिएटिंग आई स्मॉल डेटाबेस ऑप्शन सी क्रिएटिंग आई स्मॉल डेटाबेस या ऑप्शन डी ऑल दी अव दोस्तों बी और सी तो बिल्कुल सेम टू सेम है अकाउंटिंग भी करते हैं और इसके अंदर हम अपना डेटा भी तैयार करते हैं तो यहां पे हम कर देंगे ऑल ऑफ दी तो इसका आंसर डी सही होगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास किस ब्रांड का लैपटॉप या कंप्यूटर आप यूज करते हो मुझे पता होना चाहिए आपके पास लैपटॉप है भी या नहीं या है तो आप किस ब्रांड का लैपटॉप यूज करते हो तो क्वेश्चन है आप किस ब्रांड का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो ऑप्शन ए डेल ऑप्शन बी एच ऑप्शन सी लेनोवो और ऑप्शन डी एप्पल वैसे तो मेरे पास सारे कंपनी के लैपटॉप है डेल का भी है एच का भी है एप्पल का भी है लेनोवो का भी है पर जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी इस समय ये लेनोवो का योगा सीरीज है दोस्तों तो इसका सही जवाब है सही जवाब क्या है कुछ भी नहीं है आप बताइए आप किस ब्रांड का लैपटॉप यूज कर रहे हो मैं यूज़ कर रहा हूं लेनोवो का ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम्स में जरूर आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों ठीक है तो अगर आपको मान लो कोई भी सुझाव है या आप मान लो कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप क्या पूछना चाहते हो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद